हेलो फ्रेंड्स, मैं अक्षय शर्मा स्वच्छरबल भोपाल मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अभी हमने एक नई सीरीज चालू की है जिसमें हम आपको हाउ टू मेक सैंपल कि किस तरीके से सैंपल से हम लोग माल बना के देखें। इस सीरीज में अभी तक मैं आपको 4-5 प्रोडक्ट के वीडियोस दे चुका हूं। ब्लैक फ्लोर क्लीनर, ब्लैक फिनाइल, ग्लास क्लीनर, लाइजोल टाइप फ्लोर क्लीनर, ठीक है ना। और आज आपको कुछ और प्रोडक्ट के वीडियो बना के दिखा रहा हूं। जो आज का प्रोडक्ट है वो है हमारा बाथरूम क्लीनर या हार्ड सरफेस क्लीनर, रेड हार्पिक टाइप जो होता है। आज मैं आपको ये बनाने का पूरा तरीका सिखाऊंगा। फ्रेंड्स, उससे पहले सभी से बोलना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, हमारे वीडियो को लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा वीडियो देखेंगे। फ्रेंड्स, इसका जो कॉन्सेंट्रेट होता है, इसका प्राइस होता है 155 प्लस GST। डाइल्यूशन रेशो होता है 1:9। 1:9 में बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का माल तैयार होता है। किस तरह का कॉन्सेंट्रेट होता है, किस तरीके से बनाते हैं, ये मैं आपको पूरा सिखाऊंगा आज। इस तरीके से हमारा सैंपल आता है अप्रोक्सीमेट 300 ग्राम जो हम आपको भेजते हैं। हमारे यहाँ पे पेड सैंपल की फैसिलिटी अवेलेबल है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, नए लोग हैं, प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, अपने घर से बैठ के काम शुरू करना चाहते हैं, फैक्ट्री लगा के शुरू करना चाहते हैं, या जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत ही आसान तरीका, पूरा हमारा कोल्ड प्रोसेस होता है। सिर्फ आपको पानी और नमक मिलाना है और आपका माल तैयार होता है। किस तरीके से तैयार होता है और तैयार करके मैं दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स, हमारी कंपनी हैंड वॉश, डिश वॉश, टॉयलेट क्लीनर, पीताम्बरी फ्लोर क्लीनर, लाइजोल टाइप फ्लोर क्लीनर, ब्लैक फिनाइल, व्हाइट फिनाइल, ग्लास क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, लॉन्ड्री डिटर्जेंट, बाथरूम क्लीनर, मल्टीपर्पज क्लीनर, इस तरह के करीब 12 प्रोडक्ट होम केयर में एंड 6 प्रोडक्ट कार केयर में, कार शैम्पू, डैशबोर्ड पॉलिश, इंटीरियर क्लीनर, टायर पॉलिश, इन सभी टाइप के प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेट प्रोवाइड करती है एंड रूम फ्रेशनर आल्सो। तो जो भी लोग इन प्रोडक्ट्स का बिजनेस करना चाहते हैं वो हमारी कंपनी से जुड़कर कॉन्सेंट्रेट लेके बहुत ही आसान तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रोडक्ट की एक और बात बता दूं, इसका जो MOQ होता है मात्र 20 kg होता है। 155 रुपये प्राइस है इसका प्लस GST, 155 प्लस GST इंटू 20, मात्र 3658 रुपये प्लस जो भी आपके यहाँ तक का किराया लगेगा, अप्रोक्सीमेट 4,000-4,200 रुपये मान लीजिए। इतने में आपका 20 किलो माल आ जाता है जिससे आप 180 किलो मटेरियल अपना तैयार कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, दूसरी बात आती है, इसको बनाते समय जो हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है, फ्रेंड्स हमेशा पानी आरओ का लें, बोरिंग का पानी यूज ना करें, क्योंकि बोरिंग के पानी में कई बार देखा हमने 10-15 दिन में वो लाल हो जाता है, कहीं पीला हो जाता है, कहीं वाइट जम जाता है। अगर इस तरीके के पानी से हम लोग प्रोडक्ट को बनाएंगे तो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी डेफिनेटली डाउन होगी, प्रोडक्ट में सेपरेशन का इश्यू आएगा। तो पानी हमेशा आरओ का यूज करें, 50 TDS से कम का। फ्रेंड्स, चलिए अभी मैं आपको इसको बना के दिखाता हूं। ध्यान से देखेंगे सभी लोग। सबसे पहले मैंने ये जग रखा और इसको जीरो किया। दोनों जी दिखाएंगे जरा। फ्रेंड्स, ये इसका कॉन्सेंट्रेट होता है इस तरह का, ट्रांसपेरेंट होता है, रेड आर्पिक टाइप प्रोडक्ट। ये सोडियम हाइपोक्लोराइड बेस्ड होता है ब्लीच फॉर्म में। ये टाइल्स के लिए, बाथरूम के लिए, बाथरूम क्लीनर भी बोलते हैं, टाइल्स क्लीनर भी बोलते हैं इसको। जो हमारे सरफेस होते हैं लाइक जो हमारे वॉश बेसिन हुए, सिंक हुए, उन सभी के लिए बहुत ही उपयोगी प्रोडक्ट है ये। टाइल्स की चमक को कभी खराब नहीं करता। कुछ लोग एसिड बेस्ड प्रोडक्ट से टाइल्स साफ करते हैं, एसिड बेस्ड प्रोडक्ट से टाइल्स साफ करने पर आपके टाइल्स की चमक धीरे धीरे कम होती जाती है। तो कैसे बनाते हैं देखिए, हम 100 ग्राम कॉन्सेंट्रेट लेंगे। ये अभी हमने जीरो किया हुआ है, जीरो दिखाइए। 100 ग्राम में कॉन्सेंट्रेट यहां पे ऐड कर रहा हूं। देखेंगे फ्रेंड्स, 100 ग्राम मैंने कॉन्सेंट्रेट ले लिया है। इस 100 ग्राम कॉन्सेंट्रेट से मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। टोटल जो हमारा माल तैयार होगा 900 ग्राम तैयार होगा। बिल्कुल हार्मफुल नहीं है प्रोडक्ट और कोल्ड प्रोसेस हम लोग बनाते हैं। मैंने हाथ से लगाया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब इसके अंदर जो हम लोग वाटर डालते हैं, हम लोग पहले इसके अंदर 600 ग्राम पानी डालेंगे 2 इंस्टॉलमेंट में। पहले हम लोग 300 ग्राम पानी डालते हैं। फ्रेंड्स, 100 ग्राम ये पहले से था, 300 ग्राम मैंने पानी लिया। टोटल हो जाएगा 400 ग्राम, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हमें टोटल 600 ग्राम डालना है, 700 करना है। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है।
फिर से मैं इसको पूरा पानी डाल के 700 ग्राम कर दे रहा हूँ, 600 ग्राम पानी डाल के 2 से 3 मिनट मिक्स करना है। फ्रेंड्स वीडियो बनाने के कारण मैं आप लोगों को जल्दी दिखाता हूँ, इतना जल्दी में आपको नहीं करना है, अच्छी क्वालिटी बनाना है, थोड़ा आराम से करना है। लेकिन मैं अगर आराम से करने लगा तो वीडियो आधा घंटे एक घंटे का हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करके दिखा रहा हूँ। ये टोटल 700 ग्राम हो गया, इसके अंदर मैंने 600 ग्राम पानी डाल दिया। फ्रेंड्स इसको एक बार और मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट तक कम से कम, जिससे पूरी तरह से पानी के साथ मिक्सचर जो है डिजोल्व हो जाए। इसमें थोड़ा फोमिंग आएगा इस तरीके से, मोना जी दिखाइए फोमिंग, ये ऊपर इस तरह से झाग आ जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स कम से कम इसको 1 घंटे के लिए हम साइड में रख देंगे। अभी वीडियो में तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इसका जो तरीका है इसको 1 घंटे के लिए हम साइड में रख देते हैं। अभी हम टोटल 700 ग्राम हुआ हमारा, 900 ग्राम बनता है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक दूसरा जग ले रहे हैं, एक सॉल्ट वाटर हम लोग तैयार करेंगे। इसको मैंने जीरो किया, 170 ग्राम पानी लेंगे हम लोग फ्रेंड्स, 170 ग्राम वाटर। मुन्ना जी तराजू दिखाइएगा, थोड़ा सा 5-6 ग्राम ज्यादा हो गया, 7 ग्राम थोड़ा कम कर देता हूँ, ये हो गया एग्जैक्ट 170 ग्राम। फ्रेंड्स अब इसके अंदर हमें 30 ग्राम सॉल्ट, जो खाने का नमक होता है इस तरह का कोई भी सस्ते ब्रांड का नमक ले लें, और इसके अंदर ऐड करेंगे 30 ग्राम नमक। पूरा 200 ग्राम हो गया, 1-2 ग्राम आगे पीछे तराजू की प्रॉब्लम के कारण होता रहता है। ये 200 ग्राम हमने सॉल्ट वाटर तैयार करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। नमक को भी घुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पूरा नमक घुल जाए, क्योंकि जो घुलेगा वही मटेरियल के साथ मिक्स हो पाएगा, जो नहीं घुलेगा डिल्ले के फॉर्म में रहेगा तो हमारा नमक का रेशो कम हो जाएगा। फ्रेंड्स इसके अंदर हमें नमक मिक्स करना है, ये हमने सॉल्ट वाटर बनाया, अच्छे से मिक्स कर लिया हमने, चेक कर लें पूरा नमक घुला ही नहीं घुला, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा और मिक्स करते हैं सॉल्ट वाटर को हम लोग। और नमक के पानी को फ्रेंड जब भी सॉल्यूशन में डालेंगे हमेशा छान के डालना है, कि नमक के अंदर हमेशा थोड़ा बहुत कचड़ा निकलता ही है, रेत के कारण होते हैं। फ्रेंड्स इसको मैंने वापस ले लिया, थोड़ा सा मैंने ये आईपीए डाला है जिससे झाग कम हो जाए। अब दिखाइए मोना जी झाग कम करने के लिए, ये इस तरह का बन गया है, नहीं तो झाग बैठने में 1 से 1.5 घंटा लगता है, लेकिन अपन 1 से 1.5 घंटे इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आईपी यूज़ कर दिया। आप लोग ना करें, 1 घंटे इंतजार करें, मुझे तो सिर्फ वीडियो बनाना है अभी। अब फ्रेंड्स ये 200 ग्राम पानी टोटल, ये पहले से 700 ग्राम था, इस 200 ग्राम नमक का पानी, नमक के पानी को भी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, मिक्स करेंगे। जैसे हम इसमें नमक का पानी डाल के मिक्स करेंगे थिक होता जाएगा, पहले ये बिल्कुल पानी की तरह पतला था, क्योंकि हमने 100 ग्राम कॉन्सेंट्रेट में 600 ग्राम पानी डाल दिया था। अब ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है, मैंने पूरा सॉल्ट वाटर डाल दिया फ्रेंड्स। अब इसको कम से कम 2 से 3 मिनट अच्छे से मिक्स करना है, बड़ा बैच बनाते तो 5 से 7 मिनट मिक्स करना है। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ चम्मच की मदद से, ये थिकनेस इसके अंदर आ गई है। जिन लोगों को ज्यादा थिक चाहिए वो 30 की अगर 35 ग्राम नमक डाल दें, 40 ग्राम तक नमक इसमें डाल सकते हैं, और ज्यादा थिक कर सकते हैं, लेकिन थिकनेस से फ्रेंड्स सफाई का कोई रिलेशन नहीं होता है। इसको ऊपर से दिखाइए मोना जी, अब इसको इस तरीके से बनाने का कम से कम 4-5 घंटे छोड़ देना है, उसके बाद इसकी पैकिंग करना है, कि इसके अंदर जैसे जो भी एयर बबल्स दिख रहा है अभी झाग टाइप का दिख रहा है, यहाँ पे भी बबल्स दिख रहे हैं एयर के, दिखाइए पास में से जरा, ये सारे निकल जाते हैं। इसको 4-5 घंटे कम से कम छोड़ना है, 8 घंटे छोड़ दीजिए, उसके बाद इसको पैकिंग करना है। अभी मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो दिखाता हूँ, इसकी सफाई की क्षमता, अब ये काम करेगा या नहीं करेगा हम ये देखेंगे, और किस तरह से काम कर सकता है ये। फ्रेंड्स एक मैं बॉटल ले रहा हूँ, ये बॉटल के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, इस स्टिकर के ऊपर मैं आपको परमानेंट मार्कर, हालांकि टाइल्स के ऊपर काम करता है, टाइल्स के ऊपर तो बहुत अच्छा करता है ये सरफेस टाइल्स की सरफेस से ज़्यादा वो है, सॉफ्ट है, इस सरफेस पे भी ये परमानेंट मार्कर के दाग को किस तरीके से छुड़ा सकता है ये हम देखेंगे,
ये परमानेंट मार्कर के दाग है, ये हमने इस चम्मच से थोड़ा सा चम्मच में हमने लगा लिया। मैं आपको एक आध प्रैक्टिकल वीडियो बिल्कुल टाइल्स के ऊपर भी करके दिखाऊंगा। इसको 2 मिनट कम से कम लगा के हमेशा रखना होता है। अभी हम लोग वीडियो बनाते समय थोड़ी जल्दी कर देते हैं तो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिखा पाते। एक बार जैसे हम लोग टाइल्स को ब्रश से रब करते हैं, एक बार थोड़ा सा रब कर रहे हैं। मैं इसको उंगली से इसलिए कर रहा हूँ फ्रेंड्स क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है जिससे कि हमारी स्किन को या हमारे हाथ को या किसी भी चीज़ को कोई नुकसान होगा। इसको अगर हम 2-3 मिनट लगा के छोड़ते हैं, वैसे 5 मिनट लिखा होता है, और इस तरीके से रब कर देते हैं, तो फ्रेंड्स आपने देखा जो परमानेंट मार्कर के दाग थे पूरी तरह से छूट चुके हैं। जब ये कागज़ की सरफेस पे से, लेमिनेटेड कागज है, स्टीकर है, इस पे से ये छुड़ा सकता है, तो फ्रेंड्स ये टाइल्स पे से भी दागों को बड़ी आसानी से निकाल सकता है। अभी मैं आपको एक टाइल्स पे भी छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। फ्रेंड्स ये मैं टाइल्स का एक टुकड़ा लेके आया हूँ तोड़ के, मेरी फैक्ट्री में पड़ा हुआ था कुछ टाइम पहले से। ये तो अभी साफ सुथरा है बिल्कुल, हम इसको परमानेंट मार्कर से गंदा कर देते हैं क्योंकि जो भी दाग हमारे टाइल्स पे लगते हैं वो इससे ज़्यादा जिद्दी दाग नहीं हो सकते जितने कि परमानेंट मार्कर के होते हैं। इसको आधा मिनट हम सूखने भी देते हैं जिससे दाग थोड़े से स्ट्रांग हो जाएं। और जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि सफाई करेगा या नहीं करेगा, उनके लिए फ्रेंड्स बहुत ही आसान तरीका है। पहले आप सिर्फ सैंपल मंगाइए, हम नहीं कहते कि हमसे माल खरीदे, हमारी कंपनी का रूल ही है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये मैंने थोड़ा सा ये लगाया बाथरूम क्लीनर, इसके साथ हमेशा थोड़ा पानी में मिक्स करके लगाते हैं, ये मैंने थोड़ा पानी डाला है। फ्रेंड्स पहले इस्तेमाल करें, सैंपल मंगाइए, बना के देखिए, यूज़ करके दीजिए, ये देखिए किस तरीके से इन दाग को, ये बहुत ही जल्दी इस तरीके से आपके टाइल्स के ऊपर किसी भी तरह के दाग हो, सीमेंट जमा होना अलग चीज़ होती है फ्रेंड्स, दाग मैं दाग की बात कर रहा हूँ, मैल के दाग, किसी भी चीज़ के दाग होंगे, ये उन दाग धब्बों को सफाई करने में बिल्कुल सक्षम है, इसीलिए इसे बाथरूम क्लीनर या टाइल्स क्लीनर कहा जाता है। क्योंकि आजकल के ज़्यादातर घरों में जो बाथरूम है उनके अंदर टाइल्स ही लगते हैं, जैसे बाथरूम क्लीनर या टाइल्स क्लीनर कहते हैं फ्रेंड्स, इस तरह की पैकिंग में करके आप इसे बड़ी आसानी से बेच सकते हैं। फ्रेंड्स इसका प्राइस मैंने आपको बताया 155 प्लस GST, अप्रॉक्सीमेट 182 रुपीज़ हो रहा है, 183 किराया, नमक, पानी, सभी कुछ कीमत जोड़ के लेबर 200 रुपये में आपका 9 किलो मतलब आपका लगभग 22 रुपये KG में बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट तैयार होता है। अब कुछ लोग इसको सस्ता बनाना चाहें, 10 बना सकते हैं, 11 बना सकते हैं, 12 बना सकते हैं, वो उनकी मर्जी है, लेकिन अच्छी क्वालिटी अगर बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स हम रिकमेंड करते हैं 1:9। फ्रेंड्स अगले वीडियो में मैं आपको डिशवॉश, जैसे हमारी कंपनी 2 तरह के डिशवॉश प्रोवाइड करती है, कॉन्सेंट्रेट हाई 1:11, मीडियम 1:25, मैं आपको डिशवॉश के मेकिंग के वीडियो देने वाला हूं फ्रेंड्स अगले 2 दिन में। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके काम का नहीं है तो कृपया उन जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें जो घर बैठे कम पूंजी में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। और फ्रेंड्स जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हम बनाना नहीं चाहते तो फ्रेंड्स हमारी कंपनी थर्ड पार्टी व्हाइट लेबलिंग भी करती है, आपके लेबल पे आपको बना के दे सकती है, विदाउट लेबल दे सकती है, आप अपने घर पे बैठ के अपना सिर्फ लेबल चिपका लें बॉटल में पैक करके, या आपको हमारा ब्रांड में चाहिए हम आपको हमारे ब्रांड में भी बना के दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।